देखिए कितना मार्केट जैसा फ्लेवर आपको मिला होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, जकास होंगे। तो आज है 23 अप्रैल और आज है महाबली हनुमान जी का जन्मदिन है, तो उसी की तैयारी चल रही है। तैयारी के जल्दी थोड़ा सा प्रसाद बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने भिगोने में रखा है पानी, पानी के अंदर डाला था चीनी और एक दूसरे बाउल में मैंने निकाल लिया है बेसन, क्योंकि जब हम बूंदी वाला प्रसाद बनाते हैं तो बेसन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो बेसन मेन आइटम है, बेसन के बिना तो गाड़ी ही नहीं चलेगी। तो आज किसने मतलब हनुमान जी के लिए क्या क्या बनाया कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से बेसन और पानी मिला लेंगे, पानी के गोल को बैटर को अच्छे से करेंगे। इसमें ना कोई लंग्स या मतलब यानी कि जो गांठें होती है वो नहीं होनी चाहिए, काफी अच्छे से इजी तरीके से प्रसाद बन के तैयार हो जाता है। और जब भी आप प्रसाद बनाएंगे तो आपको एक चीज जरूर मिलानी है, वो क्या मिलानी है मैं आपको अभी बताऊं कि बाद में बताऊं, थोड़ी देर में बताते हैं, ठीक है? तो जब बैटर को मिला लेते हैं तो इसमें थोड़ा सा मैंने घी डाला और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इसको 10-15 मिनट या आधा घंटा के लिए छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में मैंने ये रखा है क्योंकि अगर हम हनुमान जी का प्रसाद बनाएंगे तो घी में ही बनाएंगे, कोई भी प्रसाद हो वो घी में ही बनता है, रिफाइंड भगवान को नहीं चढ़ता है। तो और दूसरे तरीके में दूसरे साइड में मेरी जो चाशनी हो रही है वो बन के तैयार हो रही है। अब इस बैटर बेसन के घोल में मैं थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड करूंगी क्योंकि वो ना मतलब फूल जाती है इससे बूंदी और ऊपर को अच्छे से आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो चीनी की चाशनी और बन के तैयार हो चुकी है एक तार वाली। तो यहाँ पे और मैंने मीठा थोड़ा कम डाला है क्योंकि ज्यादा मीठा होगा तो बच्चे खाएंगे नहीं, और होता क्या है कि चीनी में गंदगी होती है। तो और थोड़ा सा मैंने इलायची पाउडर ऐड किया था तो इसीलिए मैं उसको छानी थी क्योंकि बच्चे इलायची अगर उसके दाने मुंह में लग जाते तो खाते नहीं है, तो मैंने कहा छान के बनाया जाए। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने फ्रूट कलर डाला हुआ है क्योंकि जो मार्केट वाली है ना वो भी मैं आपको इजी तरीके से करके दिखाऊंगी। तो जो मैंने बेसन का घोल बनाया है उसी में मैं थोड़ा सा फ्रूट कलर एक कटोरी में डाल दूँ, और ये वही वाला फ्रूट कलर है जो मैंने आलू के चिप्स में बनाया था, उसमें हल्दी कलर का आ गया था लेकिन इसमें ऑरेंज कलर का आया है, तो इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। और आपका बेटा आपका जो बेसन का घोल है ना वो ना ज्यादा पतला होना चाहिए ना ज्यादा मोटा होना चाहिए। तो कढ़ाई मैंने रख ली है, गैस कर ली है कम, और जो घी है जो पहला एक दो बार है जो मैं घी में बनाऊंगी फिर आप उसके बाद हम रिफाइंड में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो जो बैटर है मैंने लिया है पूरी छानने वाला, जाजन कहते हैं उसको, उसमें बना रही हूँ। आपको ये मार्केट में मिल सकता है इस तरह से, और जब तक ये आपके जाजन में है ना आप इसको दूर दूर घुमाते घुमाते बनाइएगा वरना ये चिपक जाएंगे, चिपक जाएंगे तो इकट्ठे हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर वैसा प्रसाद नहीं बनेगा। तो यहाँ पे इस तरह से देखो, और जब तक गिरता है तब तक गिरने लास्ट तक, और इसको अच्छे से ऐसे करके हल्के हल्के हाथों से चलाते रहे और काफी इजी तरीके से बन जाता है। आप लोग कहेंगे कि आपकी जिंदगी बेहतर हो, तो सुबह के टाइम में बच्चे नहा धोकर स्कूल चले गए थे और फिर उसके बाद से मैंने कैसे साफ करी सारे बर्तन वर्तन धोए, नहाया धोया, पूजा पाठ करी, फिर मैं लग गई प्रसाद बनाने की तैयारी में। ये वाला टाइम जो है ये है 9-9:30 के बीच के बीच का टाइम है। तो यहाँ पे मैंने पहले पूजा कर ली थी, फिर मैंने कहा प्रसाद फिर मैं चलाऊंगी क्योंकि सुबह हमने वचन दे दिया था, वचन वाला रघुकुल रीति सदा चले आए, प्राण चाहे पर वचन न जाए, वही वाला मैंने भी कहा, बच्चों ने कह दिया था कि मम्मी आप प्रसाद बनाएंगे, तो मैंने कहा इस समय बना जाए। और सुबह सुबह होता क्या है घर का वातावरण भी सही रहता है, एनर्जी जो पॉजिटिव ही होती है वो आती है, सकारात्मक जो ऊर्जा होती है उसका वास होता है। तो मैंने इसलिए सुबह सुबह पूजा कर ली और इसलिए प्रसाद भी मैंने सुबह ही बना लिया। कुछ लोग शाम को बनाते लेकिन मैंने कहा सुबह क्योंकि सभी शाम को हमारे यहाँ कभी इसकी लड़ाई कभी उसकी लड़ाई कभी सिर दर्द कभी कोई दिन रात भी थक जाता है तो थक जाता है। अभी कुछ लोग कहेंगे आपके घर का माहौल ऐसा है, मतलब आपको मैंने वीडियो भी शेयर करी है, फिर उसके बाद आप भगवान को मानती हैं, हाँ तो भगवान ही है जो मुझे संकेत देते हैं अगर कोई भी गलत रास्ते पर चलता है या हमारे साथ कुछ अनिष्ट होने वाला है तो मुझे सारा उनका मिल जाता है। आप कहेंगे कि साइंस की दुनिया में आजकल के टेक्निकल जमाने में इतने साइंस आगे है तो साइंस भी खुद भगवान को मानता है, भगवान के मतलब भगवान के आगे हर चीज फेल है तो वो खुद मानता है तो हमें मानने में क्या दिक्कत है। हाँ संकेत मिल जाते हैं जब कुछ ऐसा होता है ना कोई गलत रास्ते पर होता है या कुछ ऐसा चलता है तो हमें दिख जाता है। तो यहाँ पे मेरी एक बार पहली वाली नॉर्मल वाली जो प्रसाद वाली है उसको मैं पहले निकाल लूंगी फिर फूड कलर वाली बाद में डालूंगी क्योंकि उसको हम यूज करेंगे और ये नॉर्मल वाली भगवान जी के लिए जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे इस तरह से चल रहा है और सुबह सुबह पूजा का प्रसाद चढ़ाने का एक मौसम और है कि शाम को ना दिन जैसे जैसे होता रहता है। तो अभी मम्मी नहीं थी तो वो बुंडा घर में जब बड़े बुजुर्ग है तो हो ही जाता है काका मड़मड़ाहट लड़ाई झगड़ा ये वाला सिस्टम हो ही जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए फिर मैं जितना पूजा वाला काम होता है सुबह ही कर लेती हूँ। और देखो अब मैं डालू फूड कलर वाले, ये फूड कलर वाले ना काफी अच्छे और ओले
आप चाहे तो बाजार से दूसरी छन्नी भी ला सकते हैं, ज्यादा ला सकते हैं, जो बुद्धि के मेकिंग का होता है उससे छोटी आएंगी, लेकिन हम इमेज में बड़ी आ रही है। लेकिन आप कोशिश करते रहना, पहली बार में नहीं होगा, दूसरी बार में होगा, दूसरी बार में नहीं होगा, तीसरी बार में बन के जरूर तैयार होगा। देखो मैं इसमें अभी एकदम ऊपर को नहीं आ रही ना, क्योंकि मैं ये फर्स्ट बार ही बना रही हूँ। वैसे मैंने आज तक कभी नहीं बनाई, तो मैंने कहा चलो ट्राई किया जाए, ट्राई किया जाए और आपके साथ शेयर किया जाए। तो हनुमान जी की वन लाइन किस किस को याद है बताना। ना से रोग हरे सब पीरा सक, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान को लाम। ये लाइन सुनी होगी ना, इसका अर्थ क्या होता है वो अगर आपको मुझे तो पता ही है, लेकिन अगर आपको पता, आपको जिसको जो मेरी फुल वीडियो देगा, अभी कुछ लोग ना आधी वीडियो देख के नहीं बहुत अच्छा ये करके छोड़ देते हैं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो की रैंकिंग भी खराब मत कीजिए। हाँ आप लोग की नजर में हम पागल हैं भैया, पागल हैं, राम के पा राम नाम के, राम के पागल तो हनुमान भी हुए थे, तो हम उनके हनुमान के दीवाने हो जाते हैं। दीवाने को पागल भी कहा जाता है और मजनू भी कहा जाता है। काफी ज्यादा पागल लड़का लड़की में प्रेम हो यही जरूरी नहीं है, भगवान और भक्त और भगवान के बीच में प्रेम हो, सदा बनी रहे, और भगवान अपने भक्तों के लिए मतलब बीच बीच में अवतार लेते रहें, कुछ उनको गलत रास्ते पर जाते से रोकें और उनको संकेत देते रहें, वही हो, हम भी वही हैं। तो आपकी नजर में पागल इसे ही सही है। अभी कुछ लोग कमेंट करके कहेंगे कि आप ये वो अलाना पलाना, तो ये जिंदगी की सच्चाई है। कुछ लोग कहते हैं कि आप नाचते हो, आप ये करते हो, तो भैया नाचते हैं फ्री में नहीं कर रहे हैं, हमको भी कुछ बेनिफिट मिल रहा होगा, तभी हम यहाँ पे टाइम देते हैं, तभी हम यहाँ पे एक्टिव हैं। तो देखिए मेरे प्रसाद बन के रेडी हो चुका है, जो बूंदी है ना तेल से निकाल के गरम ना डाले, हल्का गुनगुना होता डाले, और देखिए कितनी लजीज और कितनी टेस्टी और कितना अच्छा, कितना सुंदर, कितना मतलब देखो रस भरा प्रसाद बन के तैयार हुआ है। वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आता सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखे जय बजरंग बली, राम भक्त हनुमान की।